माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ ककड़ी का मसाला, बहुत बहुत फायदेमंद है और बहुत अच्छा भी रहेगा। आप बना के खाइए, जिसको ककड़ी खाने से सर्दी होती है ये खाने से नहीं होगी, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। आइए दिखाती हूँ क्या क्या डलता है ककड़ी के मसाले में। आइए फ्रेंड्स देखेंगे हम मसाला, हरिया मसाला ककड़ी के लिए बनाने के लिए क्या क्या डलता है। मैंने अच्छी तरह से दूध निकाल के वॉश करके इसका छींटा निकाल लिया है, इसके छींटे में भी बहुत फायदा है, ककड़ी का छींटा है। मैं अभी इसको और ये इसमें डालूंगी हरी मिर्ची जितना तेज चाहिए इतना, और हरिया धनिया यानी खोती में डालूंगी और नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, और मैं इसको पीस लूंगी ककड़ी के मसाले के लिए। आइए अब हम इसको पीस लेंगे। आइए अब मैं ये ककड़ी के छींटे में अच्छी तरह से मैंने धो लिया है इसको, और इसका दूध भी निकाल लिया है। अब मैं इसको पीसने के लिए डाल दूंगी। देखिए अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार हरी मिर्च और हरिया धनिया यानी कोथिमीर, और मैं इसमें डालूंगी नमक, मोटा नमक स्वाद अनुसार, और नमक थोड़ा ज्यादा ही डलेगा क्यों हम लोग ककड़ी को लगाने के लिए। आप चाहिए तो स्वाद अनुसार ही डालिए, मैंने मोटा नमक डाला, आप कुछ भी डालिए बारीक या मोटा। इसको पानी नहीं डालेंगे, इसमें पानी छूटेगा। अभी मैं इसको अच्छी तरह से पीस लूंगी। माशाल्लाह हमारी चटनी, जो मैंने ककड़ी का छींटा डाला था, हरी मिर्च, कोथिमीर और नमक, बस इतना ही है, बहुत सिंपल है। मैं जो भी बनाती हूँ बहुत सिंपल रहेगा और घर का ही नुस्खा रहेगा, बाहर का नहीं लाने पड़ेगा आपको। देखिए माशाल्लाह, और एक बार मैं इसको अच्छी तरह से फिरा लूंगी। माशाल्लाह देखिए मस्त खुशबू आ रही है चटनी में, और बहुत बहुत सेहतमंद है। आपको चाहिए तो मिर्ची के आटे का भी बना सकते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। देखिए मैंने चटनी जो पीसी है मैंने निकाल ली है बाउल में। अभी मैं ये मिक्सर को मिक्स कर लूंगी ये थोड़ा प्याज, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा बारीक नमक एक चुटनी जितना, एक चुटकी जितना बारीक नमक डालूंगी। मैं मिक्स करूंगी इसमें हरिया धनिया, देखिए आप चाहिए तो और थोड़ा प्याज डाल सकते हैं, मैं कम प्याज डाल रही हूँ क्योंकि कम प्याज में ही अच्छा रहेगा, ज्यादा प्याज मत डालिए। अभी मैं ककड़ी को काट रही हूँ, देखिए ऐसा कट कर लेंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ सर्दी नहीं होगी, गाजर गरम है, देखिए माशाल्लाह देखिए क्या लग रहा है। आप चाहे तो और मसाला डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर गार्निश करूंगी। ये हमारे कॉलेज के बाहर बहुत बिक्री होता था, बहुत मिलता था, मेरे को बहुत पसंद है इसलिए मैं बहुत पसंद से खाती हूँ ये। देखिए माशाल्लाह, आप चाहिए तो फली का बीन या मिक्सर भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए हमारी ककड़ी मसालेदार खाने के लिए तैयार है। मैंने अंदर चटनी भी डाला था, अभी ऊपर गार्निश भी किया है। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा नींबू का रस, यानी देखिए बहुत अच्छा रहेगा नींबू का रस डाल के खाने से। अभी मेरे मुंह में पानी छूट रहा है इतना जल्दी, ये मेरे कॉलेज के बाहर मिलता था, मेरे को याद आ गया तो मैं बना के खा रही हूँ। अभी बना के खाइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप भी बनाइए खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, फॉलो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, घर में रहिए, सेफ रहिए।